एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिस्मोली में स्थित नसरोल गांव पड़ा। लगभग 4468 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 16 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव की प्रधान ओमपति हैं। लगभग 3400 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 300 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 270 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 57 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 2 हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली व पंचायत घर का निर्माण भी कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 169 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सिटी टाइल्स रोड, खड़ंजे, शमशान घाट, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र धीरज कुमार शर्मा, ग्राम प्रधान नसरोल, सरकार ने मुझे जो भी पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी पैसा दिया है इन 2 सालों में, उसे मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इंटरलॉकिंग, सीसी निर्माण, नाली निर्माण, खरंजा, शौचालय पर व्यय कर दिया है। लेकिन मेरे गांव में अभी भी बहुत सी कमियां हैं जो कि धन अभाव के कारण पूरी नहीं हो पाई हैं, और जो भी मैंने जनता से वायदे किए हैं वो भी पूरे नहीं हुए हैं। मेरे गांव के लिए अभी अंत्येष्टि स्थल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी का जो है मृत्यु हो जाने पर उसका क्रीमेशन और डेड बॉडी यानी दाह संस्कार करने में बड़ी दिक्कत होती है। और सरकार से इसकी मैंने मांग भी कर चुका हूँ, और ज़िले पे भी अभी मैं 2-3 बार लेटर विधायक जी के द्वारा लगवा दिया हूँ। और विशेषकर एक बारात घर ग्राम पंचायत नसरोल में अगर बन जाए तो गरीबों की बेटी की शादी बड़ी इज्जत से हो सके, उन्हें दिक्कत ना आए। और सरकार से मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमारी पंचायत को रिलीज कराए, जिससे कि जो हमने जो वायदे किए हैं वो पूरे हों और जनता को लगे कि यहाँ गांव का संपूर्ण विकास हुआ है।